हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं के इनक्रेडिबल किचन। मेरा नाम है नितिन, अलॉन्ग विद माय मॉम कोकिला। फ्रेंड्स, आज जो हम आपके लिए रेसिपी लेके आए हैं वो है चिली पनीर। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे आगे कुछ इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं जो हम यूज़ करेंगे इस रेसिपी को बनाने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए, आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। इस रेसिपी को बनाने के लिए हम ले रहे हैं 250 ग्राम पनीर। ये 2 शिमला मिर्च है फ्रेंड्स, हमने इसे इस तरीके से काट लिया है। 2 प्याज, 1 कप हम लेंगे मैदा, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, 1 टेबलस्पून लेंगे काली मिर्च, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, ये 8 लहसुन है फ्रेंड्स, हमने इसे इस तरीके से काट लिया है। 5 हम ले रहे हैं हरी मिर्च, उसे इस तरीके से काट लिया है। अदरक, धनिया, सोया सॉस लेंगे फ्रेंड्स, सोया सॉस लेंगे 2 चम्मच। ये रेड चिली सॉस है फ्रेंड्स, रेड चिली सॉस थोड़ी ज़्यादा लेंगे हम, तो ये हम लेंगे तकरीबन 3 टेबलस्पून। ये फ्रेंड्स हमारे केचप है, नॉर्मल केचप, ये हम थोड़ा ज़्यादा लेंगे, तो ये हम लेंगे तकरीबन आधी कटोरी के आसपास। वेनेगर है फ्रेंड्स, वेनेगर लेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून। नमक स्वाद अनुसार, यहाँ पे हम लेंगे 2 टेबलस्पून। और बनाने के लिए तेल, तो आइए शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। फर्स्ट स्टेप है फ्रेंड्स हमारा, सबसे पहले एक बाउल में डालेंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर, अब इसमें डालेंगे 4 चम्मच मैदा, अब इसमें डालेंगे नमक एज पर योर टेस्ट, हम ले रहे हैं 1 टेबलस्पून, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे पानी, मैदा और कॉर्नफ्लावर अच्छे से मिक्स हो चुका है फ्रेंड्स, अब इसमें डालेंगे पनीर। पनीर हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है फ्रेंड्स, अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है दोस्तों, अब हम पनीर को लो फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। मेक श्योर फ्रेंड्स, इसको सिर्फ आप लाइट ब्राउन कीजिए, इसको डीप फ्राई मत कीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, पनीर हमारा रेडी हो गया है, लाइट ब्राउन किया है हमने इसे, अब इसे हम अपनी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। एक कढ़ाई में तेल गरम कर लेंगे फ्रेंड्स, और इसमें सबसे पहले डालेंगे लहसुन, अब इसमें डालेंगे अदरक, और अब इसमें डालेंगे हरी मिर्च। जैसे ये हल्का सा ब्राउन हो जाए, इसमें आप डालेंगे प्याज, एंड देन इसमें डालेंगे शिमला मिर्च। तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं दोस्तों, अब इसमें डालेंगे बाकी के इंग्रेडिएंट्स। अब इसमें डालेंगे लाल मिर्च, काली मिर्च, ये चिली सॉस है, सोया सॉस, एंड देन टमाटो केचप। इसको 2 मिनट भूनने के बाद फ्रेंड्स इसमें डालेंगे पनीर, अब इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, हम ले रहे हैं 1 टेबलस्पून, अब इसमें डालेंगे पानी, पानी डालने के बाद फ्रेंड्स इसे लो फ्लेम पे 2 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। दो मिनट हो गए हैं दोस्तों, अब ढक्कन को हटा देते हैं। अब इसमें डालेंगे धनिया,
और एंड में इसमें डालेंगे सिरका। पनीर हमारा रेडी है दोस्तों। पनीर को हमने अपनी सर्विंग ट्रे में ट्रांसफ़र कर लिया है फ्रेंड्स, और इसे गार्निश किया है धनिया से। ज़रूर ट्राई कीजिए हमारी इस रेसिपी को। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, एंड हैव अ नाइस डे।